इतला आई है कि पीटीआई की किसी कोर कमेटी में, जिसमें स्पीकर भी टाइगर फोर्स के मेंबर की तरह बैठ गए हैं, उनको कहा गया है कि आप काउंटिंग में, गिनती में करके वोट में कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश करें। किसी और तरफ से खबर आ रही है कि सदारती कोई इस तरह का हरबा इस्तेमाल किया करें, जिस तरह वो, जिसके बुनियाद पर वो प्राइम मिनिस्टर रह सकें, जबकि आईन बहुत वाज़े है। और इसकी शिक भी मैं आपको साथ डाल दे देती हूँ कि ही शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। अब इसमें, इस सूरत हाल में ये मुल्क को लगता है यू टर्न, इतने डेस्परेट हो गए इक्तदार से चिपकने के लिए कि यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं रोज़, बल्कि हर घंटे एक नया ताखीरी हरबा ढूंढते हैं ताकि ये इक्तदार से चिपके रहें। इनकी अब साख ख़त्म हो गई है, ना मिनिस्टर्स ना प्राइम मिनिस्टर की अब कोई रिट बाकी रही है। अब आखिरी कोशिश इनकी ये ना हो कि ये मुल्क में या पार्लियामान में इंतशार इतना क्रिएट करें कि सेशन मुअत्तल हो, स्पीकर आइन शिकनी का मुर्तकब हो और आर्टिकल 6 पे के अंडर आ जाए, और फिर मुल्क में और ऐसा इंतशार फैले कि ये डूबें और कोई और तरीका अख्तियार किया जाए। इनकी कोशिश ये है कि अगर इनका इक्तदार जा रहा है तो सारा पाकिस्तान जला दो। हम इस वक्त जॉइंट अपोजिशन, मैं तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको तंबी देती हूँ कि आप ये ना करें। अगर आपने किया तो आपको तारीख ना माफ़ करेगी, ना मुल्क और कौम आपको माफ़ करेगा। आपने रियासत को कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने पूरे मुल्क के इस वक्त कानून को कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप आइन शिकन वज़ीर आज़म होंगे।